इतना जाम गाइस हमारे निकले भी नहीं जा रहा। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, welcome back to my another vlog. So guys, कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ एंड मैं कॉलेज के लिए रेडी हो गई हूँ। यार गाड़ियों की टी टी की आवाज है ना, फिर मैं व्लॉग नहीं कर पाती हूँ जैसी गाड़ियाँ और धूल इतनी आती है ना बहुत ज़्यादा। सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के एकदम से, अभी मैं बस का वेट कर रही हूँ, बस अभी ऊपर नहीं यही है। मैं पहले ही रेडी हो गई थी जल्दी से क्योंकि मुझे व्लॉग शूट करना था, फिर ना तो सोचा देर हो जाती है, अगर बस ऊपर चली गई थी तो मेरे व्लॉग शूट नहीं होना था इसीलिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मैं अभी बस का वेट कर रही हूँ एंड फिर मैं बस स्टैंड जाऊँगी और वहाँ पे दीदी वगैरह अगर आए होंगे तो उनके साथ चले जाऊँगी। कॉल जा रही ना मैं ग्लूकोज लाने मेरी बहन के लिए, तो मम्मी बोल रही थी कि पहले पार वाली दुकान से जा और ले आ, मेरी बहन बोल रही मैं नहीं जाऊँगी, मैं कहा ठीक है मैं जा लेती जाती हूँ ग्लूकोज लाती हूँ एंड फिर बस स्टैंड जाऊँगी। नमस्ते अंकल जी, मेरे को देना एक ग्लूकोज, ये लो छोटे वाला देना छोटे वाला, हाँ शाम को लाना पापा ने। बस बाकी दे दो वापिस, कितने का है? 33 का, इधर तो लिखा 33, बाकी दे दो वापिस। कॉफी को टॉफी है, बाकी की दे दो वो अगर है नहीं चिंगम दे दो इसकी दो, ताकि मैं फ्रेश फ्रेश रहूं। हो गया ना पूरे? तो गाइज अभी जा रही हूँ मैं वापिस, अब जाऊंगी मैं बस स्टैंड बिकॉज मुझे बस लेनी है वहां से, मैं वहीं जाती हूँ ना वहां पे और भी होते हैं बच्चे, तब करके हम बस स्टैंड जाते हैं, वरना तो मेरे घर के पास भी रुक जाती है, वरना तो हम वहीं से बैठ सकते हैं, बट नहीं यार फिर मैं बस स्टैंड ही जाती हूँ, वहां पे मजे आते हैं ना। ये रंजू का ग्लूकोज दी, ये ले बहन ग्लूकोज ले, मैं रख रही हूँ यही, यहाँ से उठा लेना। 5 नहीं यार और पैसे भी दे रही हूँ जेब से, 100 रुपए है बस मेरे को। पापा की कॉल आ रही है गाइज, उठा लेती हूँ। गाइज पापा की कॉल आ गई थी बिकॉज मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, तो मैंने बोला पापा की मेरे को रिचार्ज करवा दो, तो पापा ने बोला कि कौन सी तेरी सिम है, जियो की या एयरटेल की, तो करके पापा की कॉल आ गई थी। और अभी मैं जा रही हूँ बस स्टैंड, अभी बस लूंगी, बस ऊपर चली गई है। अभी मैं बस स्टैंड पहुंच गई हूँ, ये पीछे आप देख सकते हैं दो भाई आए हैं, एक डिम्पू भैया है, दूसरे भैया का नाम मेरे को नहीं आता है, तो ये बैठे हैं और ये इतना बड़ा बस स्टैंड है घराता का मेरा बस स्टैंड, और ये पीछे करुणा दी खड़े हैं, ये भी आ गए हैं, बाकी दीदियाँ नहीं आई आज, पता नहीं क्यों नहीं आई, उनकी शायद एमए की क्लासेस नहीं होंगी, मे बी वो तभी नहीं आए, अभी हम बस का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। गाइस हमारी बस आ गई, अब हम जाएंगे बस में। गाइस ये देखो आज बस में सॉन्ग चले, स्पीकर थोड़ा कम है ना म्यूजिक का, क्या करें। यार काले आ रहे हैं हम बहुत, इतने काले नहीं हैं हम गाइस, चिट्टे हैं। इस साइड को लाइट पड़ रही है, लाइट ऑन करवा दे मेरे को। गाइस अभी हम बस स्टैंड में पहुंच गए हैं और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, ये सजना दीदी इनसे मतलब, हाँ इनको आपने देखा है पीछे वाले व्लॉग में, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो देखो, है ना सजना दीदी? यार मैंने आपको पिछले कल बहुत मिस किया, पिछले कल क्यों नहीं आए थे आप?
क्या बोलते उस दिन था, उस दिन क्या मैंने घर पे बहुत सारा आराम अच्छा आराम किया हमने। मैंने क्या आपको बहुत मिस फील की, मैं अपनी बहन के साथ थी, ऐसे मैं इनके साथ रोज जाती हूँ, इनके साथ मेरे मजे ही आते हैं ना। हाँ मेरी बात जाना तेरे साथ मजे से चूलू, मैं तो अपनी फ्रेंड्स के बाद तो मुझे तेरे साथ मजे आते हैं। वाओ इतनी तारीफ मेरी, मेरे साथ मजे आते हैं। वैसे तो लोग मेरे से इरिटेट हो जाते हैं और आपको मेरे साथ मजे आते हैं। इतना करने का मैं कुछ उनको बहुत मिस कर ओह माय गॉड इतना मिस आने के बाद भी करती हूँ, उनको बहुत कम मिस है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तब अगर मेरे आने से आप अपनी फ्रेंड्स को कम मिस करते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, है ना सुनने दीदी। तब क्या मैं तू भी नहीं आई थी एक दिन तो मैं भी गई थी, नहीं आती नीचे। हाँ मैं भी नहीं आती यार कभी कभी, कल है हमारे शादी, कल जाएंगे, आपको भी होती होने हाँ, वाली मेरे को भी है वो, तो अगर तू जाएगी तो मैं हाँ, भी जाऊंगी। आ जाना आप, मैं भी जाऊंगी। मैं मम्मी बोली थी मेरे को जाना, मैंने बोला मैंने क्यों जाना, क्योंकि आ जाना मैं भी जाऊंगी यार। दुल्हन बात नहीं करते हैं तो शादी में नहीं जाना क्या आपने? हमारे धाम से मतलब है ना सुनने दीदी, हमारे को नहीं होता कि दुल्हन हमारी ओर देखे या ना देखे, है ना, वो नहीं होता हमारे को फर्क। बस छाता खोलो सुनने दीदी, हम छाता खोलते हैं रोज, हमारे मजे आते छाते के नीचे, है ना सुनने दीदी। आ जाओ चलो हम जाते हैं रोज गाइस छाते के नीचे, छाते के नीचे ना सुकून मिलता है, वरना धूप में है ना सर नदी कितने बुरे हाल होते। हाँ वरना धूप में हमारा मेलानिन पिगमेंट बढ़ जाएगा। हाँ हम काले हो जाएंगे। ये साइंस के स्टूडेंट हैं। गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी वाले हमें मार देंगे। जाओ जाओ गाड़ी वाले, हम आपका रास्ता नहीं रोकेंगे, है ना। कल मैंने ये वाले पेड़ भी दिखाए, दिखाना मैं बोल रही हूँ। हाँ कल वाले ब्लॉग में दिखा दिए मैंने उनको पेड़, ये है ना कितने अच्छे लगते। ये बहुत अभी देखना गाइस, देखो हमारे ऊपर पेड़ और हम नीचे। अच्छा ऐसे दिखा दिए मैंने, यहाँ फिल्मी दुनिया वाली ब्लॉग डाला था मैंने कि कितना अच्छा लगता है ना, जैसे फिल्मों में निकलते हो फूल ऊपर से नीचे, है ना। हाँ सनम तेरी कसम में जो वो लास्ट में फूल गिरते हैं उसके ऊपर। हाँ देखो इनको तो मूवी का नाम भी है, मेरे को नहीं याद। अभी हम फटाफट से जाएंगे और फिर कॉलेज में हम अलग अलग हो जाते हैं। ये एमए के स्टूडेंट है और मैं बीए के स्टूडेंट हूँ, मेरा लास्ट ईयर है इनका। आपका कौन सा? मेरा है फर्स्ट ईयर एमए का। अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। अच्छा सेकंड सेमेस्टर है, मेरा अभी थर्ड ईयर। और ये मेरी जूनियर होने वाली है, मैं इनकी जूनियर होने वाली हूँ बहुत जल्द। जूनियर सून, हाँ बहुत जल्द मैं इनकी जूनियर हो जाऊंगी, फिर मैं इनको फ्रेशर्स भी करेंगे ना, फिर हम तुम्हारे फ्रेशर में ही करेंगे हम सब कुछ। अच्छा हमारे को फ्रेशर पार्टी भी दोगे आप? दोगे सच्ची में ही, तब तो अच्छे है हमारे लिए यार, बहुत अच्छी बात है। ठीक है गाइज अभी हम फटाफट कॉलेज जा लेते हैं ना, फिर मिलेंगे आपसे, है ना गाइज। हम बहुत बातें करते हैं, हम नीचे तक ना इतनी गप्पे मारते हैं बहुत ज्यादा, तो अभी हम गप्पे मारते लेते हैं ना, है ना, तो गप्पे मारने के मजे आ जाते हैं, हम गप्पे मार लेते हैं, इसलिए हम बाद में मिलेंगे आपसे अब कॉलेज के पास। बाय गाइस, कितना जाम लगा है यहाँ पे। बाय बाय अंकल जी। इतना जाम यार, आज तो ठीक ठाक जाम लगा है। इतना जाम गाइस हमारे निकले भी नहीं जा रहा। चलो चलो संजना दीदी। गाइस आगे जाम ही जाम है, आगे जा ही नहीं जा रहा, ये देख सकते हो आप ही। देखो इतना ज्यादा जाम है आज, है ना गाइस। दीदी ये जाम क्यों लगाया आज इतना? दो साल बाद पहुंच जाएंगे हम कॉलेज, वहां से रास्ता भी नहीं है चलने के लिए, तब तो हम आगे जैसे निकल जाते हैं ना। आया आया, चलो कोई नहीं, जाम को पहले खाली होने देते हैं फिर हम जाते हैं। शायद जैसे हो जाओ खड़े। सो गाइस फाइनली हम कॉलेज में पहुंच गए हैं, अब दीदी जाएंगे अपनी क्लास लगाने, 10 बजे से आपकी क्लास है ना, और मैं जाऊंगी लाइब्रेरी थोड़ी देर, फिर निकल जाऊंगी, है ना दीदी। अब मिलते हैं आपसे बाद में हम। अब क्या फायदा इस छाते का, ऐसे ऐसे करना है ऐसे। हाँ अब तो यार धूप, मतलब जब कॉलेज आते हैं हम कॉलेज के गेट तक रखते हैं खुला छाता, है ना दीदी। दादा दिख जाए। हाँ दिख चुके हैं। हाँ दादू दिख चुके हैं और हम छाता बंद कर देंगे, ठीक है। जाइए चलिए, जय हो माता रानी। गाइस मैं लाइब्रेरी से बाहर निकल गई अभी ना, मैं फिर फ्रेश होके आई हूँ पानी पी के अच्छे से,
और अब खाऊंगी मैं ये वाली च्युइंगम, बिकॉज यार फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, अंदर नींद लग जाती है बहुत ज़्यादा। सो अभी मैं थोड़ी देर बाहर ही बैठूंगी और च्युइंगम खाऊंगी, एंड पानी तो मैंने अभी पी लिया। यार मेरे को अंदर नींद आ रही थी गाइस कसम से, लाइब्रेरी में इतनी ज़्यादा नींद लगती है ना, बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद जाऊँगी मैं लाइब्रेरी एंड उसके बाद निकलूँगी घर। अभी तो मैं फ़िलहाल बाहर बैठूँगी, इंजॉय करूँगी थोड़ी देर, फ्रेश होंगी एंड फिर जाऊँगी। गाइस तो अभी मैं कॉलेज से निकल रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया लाइब्रेरी में, अब जाते हैं घर। एंड यार मैं छाता खोलूँगी अभी थोड़ी देर के बाद, बिकॉज बाहर अभी भी धूप है, शाम के 4 बज रहे हैं और अभी भी बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। अभी तो मैं फटाफट से जाती हूँ, बिकॉज मेरी बस 4:30 बजे ऊपर से जाती है, तो मुझे टाइमली पहुँचना होगा वहाँ पे, मतलब 4:30 बजे मैं पहुँचनी चाहिए वहाँ पे। सो अभी मैं निकल रही हूँ यहाँ से। गाइस छाती के नीचे सुकून है भाई अपनी कसम से, सीरियसली। यार हमारे कॉलेज में देखो गाइस ये येलो वाले फूल, मतलब पेड़ है ना, इसमें पता नहीं कितने अच्छे लगते हैं आजकल, और अभी ब्लू जैसे कलर के, मतलब इन पेड़ों को देखकर मस्त वाली फीलिंग आती है आजकल, मस्त वाली फीलिंग आती है सच्ची में इनको देखकर। यार ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, सीधे ही अब ना मैं ऊपर मिलूँगी अब वो बस स्टैंड के पास। गाइस मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी थोड़ी लैंग्वेज स्किल अच्छी नहीं है, प्लीज़ इसको इग्नोर करना। इग्नोर नहीं यार, सही बोल रहे हो आप ना मेरे को कमेंट करके बता देना कहाँ कहाँ मेरी फॉल्ट होती है ना, वहाँ वहाँ आप बता देना, वहाँ वहाँ आपकी जो वीकनेसेस है ना वो मैं पूरी कर दूंगी यार अपनी, ताकि मतलब मैं भी आने वाले टाइम अच्छी तरह से बोल पाऊँ, ऐसे ही नहीं मतलब लाइक पहाड़ी वाली टोन में, अच्छी वाली टोन में बोलूँ। इसीलिए आप भी लैंग्वेज स्किल के लिए कुछ ना कुछ बताना है जरूर, प्लीज़ 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 कमेंट करके बताना। आप वैसे कमेंट बहुत कम करते हैं, वीडियो देख लेते हो बट कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट करके बता दें। हाय यहाँ पे तो अलग ही वाली फीलिंग होती है डेली, यहाँ पे ना मेरे मजे ही आते हैं इसके नीचे जाने से यार। गाइस फाइनली मैं घर पे पहुंच गई, तो गाइस अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे आराम से, अंगूर खा रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख आई है, अभी खाऊंगी मैं इसके बाद खाना। पापा ने लाए थे फ्रूट तो मैं सोचा अंगूर खा लेती हूँ पहले, उसके बाद ही पहले ग्रेप्स खाने के मजे ही आ जाते हैं ना, उसके बाद खाऊंगी खाना। तो आज का व्लॉग इतना ही था, तो आज आपने देखा कि मैं सुबह कॉलेज गई रेडियो के, एंड बीच में जाम भी लगा था और फिर कॉलेज से वापस, और बस में बुरे हाल हो जाते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग को एंड, वी होप आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।